दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं। टॉपिक है स्क्रू फास्टनर्स। देखिए, हम जो भी कोई मशीनरी वगैरह बनाते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी मशीनरी है, पार्ट्स दो को जोड़ करके सबको हम असेंबल करते हैं। असेंबल का मतलब जोड़ना, उनको आपस में जोड़ते हैं। तो उन्हीं चीजों को जोड़ने के लिए, बड़ी से बड़ी मशीन बनाने के लिए जो जोड़ने की युक्तियों को जो यूज किया जाता है, डिवाइसेस को यूज किया जाता है, दैट इज नट्स है, बोल्ट्स है, स्टड्स हैं, तो ये वही है। इन जॉइनिंग नंबर ऑफ पार्ट्स टुगेदर एंड डिसमेंटलिंग विदाउट डैमेजिंग एनी पार्ट्स डिवाइसेस कॉल्ड बोल्ट नट स्क्रू ईटीसी आर मेड यूज ऑफ। जब किन्हीं पार्ट्सों को, दो या दो से अधिक पार्ट्सों को बार बार खोलने बांधने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम, ताकि जो है वो पार्ट्स डैमेज ना हो या वो डिवाइस को कुछ नुकसान ना पहुंचे, तो उनको जो है हम इस नट एंड बोल्ट की सहायता से यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड स्क्रू फास्टनर्स। इन्हीं को हम स्क्रू फास्टनर्स बोलते हैं। अब इसमें नंबर एक है बोल्ट, तो आज हम बात करेंगे बोल्ट पर। बोल्ट इज ए मेटेलिक सिलेंड्रिक रॉड हैविंग ए स्पेसिफिक शेप ऑन वन एंड कॉल्ड हेड। ये जो बोल्ट जो होता है, ये बोल्ट आपका एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक सिलेंड्रिकल रॉड होती है, तो ये नट और बोल्ट पे, ये देखिए, ये आपका बोल्ट है और ये इसका हेड है। हेक्सागोनल बोल्ट हेड, ये हेक्सागोनल शेप में है। ये इसकी चूड़ियां कटी हुई है, जो थ्रेड्स कटी हुई है, इसको कोर डाया बोलते हैं। और ये जो है कोर डाया, इसका ये है ये वाला, और ये क्या है, इसका डाया हेड। यहाँ पर चैम्फर लगा होता है 45 डिग्री पर, और ये डेप्थ ऑफ थ्रेड होती है इतनी। तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट इज ए मेटेलिक सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग ए स्पेसिफिक शेप ऑन वन एंड कॉल्ड हेड। एक तरफ हेड होता है, सिलेंड्रिकल रॉड होती है, इसमें एक तरफ हेड होता है, एंड द अदर एंड कॉल्ड द सैंक। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। विद स्क्रू थ्रेड कट ऑन इट, जिसमें की चूड़ियां कटी हुई होती हैं। ऑल द फास्टनर्स आर जनरली मेड ऑफ स्टील और गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जितने भी जो है आपके ये बने हुए होते, क्या कहते हैं, फास्टनर्स, वो गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ के बने होते हैं। ये फिगर हो गया आपका। अब आगे देखिए, बोल्ट्स आर नोन बाय द शेप ऑफ द हेड। ये इसकी हेड से जाने जाते हैं, जैसे कि हेक्सागोनल हेड, ये आपके सामने है, स्पीयर हेड, सिलिंड्रिकल हेड या चीज हेड भी बोल देते हैं, कप और राउंड हेड, टी हुक और आई बोल्ट, ईटीसी एंड सैंक डाया, इनके द्वारा इनको नापा जाता है, मतलब इनको स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ हेड इज सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस फॉर विच इट इज यूज, टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ बोल्ट। इसकी प्रिवेंशन को, बोल्ट की प्रिवेंट, मतलब जो बोल्ट होता है हमारा, जब इसको हम कसते हैं तो ये घूमे ना, तो उसको रोकने के लिए बोल्ट हेड इज हेड बाई एनदर स्पैनर। तो उसको दूसरे स्पैनर से पकड़ लेते हैं, इधर से स्पैनर से पकड़ लिया और दूसरे से उसको चढ़ा के इस पर कस दिया। ऑल द फास्टनर्स साइज स्पेसिफिकेशन फॉलो लेटर एम। जितनी भी इसकी साइजेस शो करते हैं फास्टनर्स की, लेटर एम से शो करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मैट्रिक, साइज को शो करता है, दैट इज आपके पास लिखा हुआ आएगा हेक्सागोनल बोल्ट M20x100। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, हेक्सागोनल बोल्ट सैंक डाया 20 mm 100 mm लॉन्ग। द कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागन आर चैम्फर्ड टू अवॉइड शार्प कॉर्नर विच गेट डैमेज्ड व्हाइल यूजिंग स्पैनर एंड आल्सो इंजूरियस व्हाइल हैंडलिंग। तो ये जो हमारा इसके जो हेड होता है, उसको हम चैम्फर कर देते हैं ताकि कोई डैमेज ना हो या कोई टूट फूट ना हो, चोट वोट अगर हमारे ना लग जाए। डेजिग्नेशन क्या होती है, थ्रेडेड फास्टनर्स आर डेजिग्नेटेड इन द सीक्वेंस, इनको सीक्वेंस डेजिग्नेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेक्सा बोल्ट M20x75 IS 1364B। नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे इसका, हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, हेक्सागोनल बोल्ट शेप ऑफ हेड होगी ये, साइज में M20x75x1.5, डायर 20, लेंथ 75 और पिच कितनी होगी इसके अंदर 1.5, टाइप ए
बी और सी किस प्रकार से, ए का मतलब प्रिसीजन होता है, बी का मतलब सेमी प्रिसीजन होता है, सी का मतलब ब्लैक होता है। होल्स फॉर टेकिंग द बोल्ट्स आर ऑफ स्लाइटली लार्जर डायमीटर, जो बोल्ट्स के लिए होल्स बनाए जाते हैं वो थोड़े से इससे साइज से ज्यादा बनाए जाते हैं। द स्टैंडर्ड थ्रेड्स लेंथ 2d प्लस 6 होती है mm में, और फॉर लेंथ अप टू 150 mm या 2d प्लस 12 mm भी होती है। When a bolt passes through the holes in the two parts to be joined and is held in place one called a throw bolt, मतलब कोई बोल्ट किसी के दो पार्ट्स को जोड़ना है उसके आर पार निकल जाए और फिर उसके बाद नट को कसा जाए तो उसको हम थ्रो बोल्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो था बोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक बोल्ट के बाद हम नट की बात करेंगे, ये नट इस तरह से होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नट पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आप अपने ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नजर आती है या कुछ कमी नजर आई है, जैसा भी आपको बेहतर लगे वो कृपया कमेंट्स में लिखें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसको जरूर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।